मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार आईफा अवार्ड करवाने में व्यस्त है, वहीं अपना पैसा वापस लेने गए किसानों के साथ गांव के लोगों ने मॉब लिंचिंग की है, जिसमें एक किसान की जान चली गई है और 5 अन्य घायल हो गए हैं। इस घटना ने सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। किसानों ने भीड़ से जैसे तैसे अपनी जान बचाई, लेकिन इसके बावजूद एक व्यक्ति की जान चली गई। इस मामले में सबसे गंभीर बात यह रही कि पुलिस को इन किसानों ने सूचना दे दी थी कि वो मजदूरों से अपना पैसा वापस लेने जा रहे हैं। आईफा अवार्ड में व्यस्त कमलनाथ सरकार में भी कानून व्यवस्था की हालत चिंताजनक है। धार के मॉब लिंचिंग की घटना ने बता दिया है कि हालत कितने भयावह है। मजदूरों को बतौर एडवांस दिए रुपए लेने आए सांवेर तहसील के खेड़ा गांव के किसानों ने बुधवार सुबह 9 बजे तिरला थाने पहुंचकर सूचना दे दी थी। पुलिस ने उनसे कहा था कि तुम रुपए मांग लेना, विवाद मत करना। पुलिस ने किसानों की मदद करने की जहमत नहीं उठाई। इन किसानों को नहीं मालूम था कि बच्चा चोर की अफवाह फैलाकर उनके साथ जमकर मारपीट की जाएगी और इतनी मारपीट की जाएगी कि एक किसान दम तोड़ देगा। इनके वाहनों में तोड़फोड़ के साथ आग लगा दी गई। किसान एक मकान में छिप गए, लेकिन भीड़ ने दरवाजा तोड़कर उन्हें निकाला और बेरहमी से पीटते रहे। ग्राम खेड़ा के किसानों के साथ जिस तरह मारपीट की गई, उसके वायरल वीडियो देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भीड़ के हाथ में लाठी पत्थर जो आया वह बरसाना शुरू कर दिया। पीड़ित जान की भीख मांगते रहे, लेकिन गुस्साई भीड़ ने मानवीयता की सारी हदें पार कर दी। एक एक किसान पर 200 से 300 लोग प्रहार कर रहे थे। पुलिस के 2 जवानों के आने पर भी भीड़ किसानों को पीटती रही। पुलिस बल ने पहुंचकर आंसू गैस के गोले छोड़े, भीड़ को तितर बितर किया, तब जाके हालात काबू में आ सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किसानों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, जिसमें से एक किसान ने दम तोड़ दिया। हम मजदूर के पैसे लेने आए थे यहाँ, और बस उन्होंने पथराव चालू कर दिया वहाँ पहुंचे। और सर वो हमारे यहाँ पानी वानी देने गेहूँ में इसमें आए थे दाड़की के लिए, तो वो वहाँ दाड़की कर रहे थे। घर से हम चले तिरला थाने आए, वहाँ थाना पे सूचना दी थाना वाला साहब ने, और इनने बोला बोले चले जाओ, कुछ दिक्कत नहीं बुला रहे वो तो, पर मगज मारी मत करना सर, हमको गाड़ी में से नहीं उतरने दिया उन्होंने और पत्थर मारने लग गए। हम सर गाड़ी भगाई हमने, फिर पत्थर चालू करे तो आगे फ़ोन कर दिया, बोले बच्चे पकड़ने वाले हैं, तो वो आगे के गांव वालों ने सबने फिर पकड़ के मारा सर, बहुत पूरा गांव ही था सर। इस घटना के बाद नींद से जागे प्रशासन ने इस मामले में स्पेशल टीम बनाई है, जिसने 3 लोगों को पकड़ लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। विनोद मुकाती निवासी शुभपुर खेड़ा गांव तहसील सांवेर जिला इंदौर ने बताया कि मैं खेती करता हूं, मेरे सहित मेरे ही ग्राम के गणेश तथा राधेश्याम लिम्बा, नरेंद्र शर्मा, जगदीश शर्मा व जगदीश चंद ने तिरला ब्लॉक के खिड़किया ग्राम के 5 मजदूरों अवतार जाम सिंह, महेश, राजेश व सुनील को 6-7 महीने पहले एडवांस के तौर पर हर एक को 50,000 रुपये दिए थे। ये 5ों हमारे यहाँ मजदूरी पर आने की बजाय गुजरात चले गए। जब इन लोगों से हमने रुपए वापस मांगे तो इन्होंने अपने ग्राम में रुपए लेने के लिए हमें बुलाया था। बुधवार सुबह 6 बजे हम 5ों के साथ रवि, शंकरलाल 2 कारों में सवार होकर खिड़किया के लिए निकले। हमें इलाके के बारे में जानकारी नहीं थी, तो हमने खिड़किया ग्राम के ही मुकेश लाल, जो हमारे गाँव में मजदूरी के लिए आया था, उसको भी साथ बैठा लिया था। हम 7ों करीब सुबह 9 बजे तिरला पुलिस थाने पहुंचे। वहाँ पुलिस को अपने आने का कारण बताया। इसके बाद हम तिरला के करीब 8 किलोमीटर दूर खिड़किया गांव पहुंच गए, जहाँ पहुंचते ही 20-25 ग्रामीणों ने हमारा रास्ता रोक लिया और पत्थरबाजी शुरू कर दी। हम घबरा गए, जैसे तैसे कार पलटाकर जान बचाकर भागे। इसी दौरान खिड़किया के पत्थरबाजों ने आगे के गाँव में मोबाइल के जरिए झूठी सूचना फैला दी कि वाहनों में कुछ लोग 2 बच्चों का अपहरण करके भाग रहे हैं। सूचना फैलता ही ग्रामीणों ने हमारा पीछा शुरू कर दिया। रास्ते में 3-4 स्थानों पर हमें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन हम वाहन भगाते रहे। करीब 20 किलोमीटर दूर गांव बोरलाई में 150 से 200 लोगों ने सड़कों पर बाइक लगाकर हमारी कारों को रोक लिया। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा होना शुरू हो गई। हमने बचाव के लिए पासी की एक दुकान में घुसकर दरवाजा लगा लिया, लेकिन भीड़ ने दरवाजा तोड़ दिया और बुरी तरह से हमारे साथ लकड़ी पत्थर डंडों से मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद हम सब बेसुध हो गए। मनावर थाना प्रभारी युवराज सिंह चौहान ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस बल के साथ मौके पर वे पहुंचे और आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को खदेड़ा, घायलों को अस्पताल लाया गया। गंभीर घायल गणेश को बड़वानी रेफर किया गया था, लेकिन उसकी मौत हो गई। इन कार सवारों के साथ खिड़किया ग्राम का मजदूर मुकेश शंतरलाल भी था, जो गायब है।
उसे ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। मामले में अवतार सिंह, भुवन सिंह, जाम सिंह सहित 40 से 45 लोगों पर हत्या, हत्या के प्रयास व बलवा का प्रकरण पुलिस ने दर्ज कर लिया है। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश को तालिबानी प्रदेश बना दिया है। पीट पीट के लोगों की हत्याएं की जा रही है, पत्थर से कुचल कुचल के लोग मारे जा रहे हैं। धार की घटना में जो मुझे जानकारी मिली है, वो लोग जिनको मारा गया है पुलिस को सूचना देके गए थे कि हम अपने पैसे लेने वहां जा रहे हैं, हमारी जान को भी खतरा हो सकता है, लेकिन पुलिस सोती रही और ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई जिसकी मध्य प्रदेश के इतिहास में मिसाल नहीं मिलती। आखिर कहां जा रहा है मध्य प्रदेश कमलनाथ जी? ये जंगल राज नहीं तो क्या है? पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? सवाल खड़ा हो गया है। क्या पुलिस धर्म, जाति और पंथ पूछ कर कार्रवाई करेगी? क्या पुलिस के हाथ बांध दिए गए? क्या कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी अगर कहीं कार्रवाई करते हैं तो उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनका तबादला कर दिया जाता है, उनको सजाएं दी जाती है? क्या हो रहा है मेरे प्रदेश को? चारों तरफ तबाही है, जंगल राज है, और ऐसी घटनाओं पर चुप नहीं बैठा जा सकता। एक तरफ दलित नौजवान को जिंदा जला दिया गया सागर में, सारे अपराधी नहीं पकड़े गए, भावी पंथ देख देख के कार्रवाइयां होती है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।